छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन और राज्य सरकार में तकरार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर राजभवन का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भाजपा के दबाव में है। वहीं विधेयक सलाहकार के परामर्श को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगता है कि विधेयक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है और विधानसभा में चर्चा के बाद पारित होता है। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा से आया विधेयक है। आजकल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा क्या है? रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान किया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहां तक आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया। आजकल